वेलकम टू आवर चैनल गार्डनिंग विद अर्श। मैं हर्ष आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टोमेटो प्लांट्स के ऊपर कि सीडलिंग के बाद में अगर हमने टोमेटो प्लांट्स को अपने पॉट में शिफ्ट किया हुआ है तो उन्हें क्या केयर करनी चाहिए और उनकी क्या देखभाल करनी चाहिए हमें, जिससे हमें उन पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छे से हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये करीब 5 से 6 पॉट्स में मैंने टमाटो के प्लांट्स लगाए हुए हैं। इनकी जो वैरायटी है वो चेरी टोमेटो है। इन टोमेटो में जो है वो बंचेस में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं और इनमें जो है वो डिसीज़ तो वैसे बहुत कम ही होती है क्योंकि ये हाइब्रिड सीड्स हैं और देसी सीड्स में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा उसमें कीड़ों का या बहुत सारे वायरसेस का अटैक हमें उनमें देखने को मिलता है। हाइब्रिड की एक यही खासियत होती है कि उसमें कोई भी डिसीज़ वगैरह बहुत मुश्किल से लग पाती है। तो हमारे टमाटो को प्लांट को जब मैंने 15 दिन के हो गए थे सीडलिंग करने के बाद में, सीडलिंग मैंने कोकोपीट में करी थी नॉर्मल, तो सीडलिंग जब मैंने इनको शिफ्ट किया हुआ है पॉट के अंदर तो मैंने एक पॉट के अंदर अप्रॉक्सीमेट 1 या 2 प्लांट ही मैंने किए हुए हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी प्लांट या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट या कोई भी सीजनल ऐसा आप फ्रूटिंग प्लांट लगा रहे हैं जो कि आपको पॉट में ग्रो करना है, तो हमेशा ध्यान रखें कि मैक्सिमम जो है वो आप 2 ही प्लांट एक पॉट के अंदर रखें। अगर आपके पॉट का साइज़ 18 इंच का या 22 इंच का है, तो अगर आपके पॉट का साइज़ 8 इंच है या फिर आपके पॉट का साइज़ 10 इंच है तो आप अपने पॉट में एक से ज़्यादा प्लांट ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे प्लांट एक साथ लगा देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे प्लांट में फ्रूटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। या अगर हमने मान लीजिए प्लांट को ग्रो भी कर लिया तो प्लांट ग्रो करने के बाद में उसमें बहुत ही मुश्किल से ही उसमें फ्लावर आ पाते हैं या उसमें सिर्फ फोलियज ही फोलियज हमें दिखता है और हमें इसमें फ्रूट्स नहीं मिल पाते हैं। तो हमें इसमें ध्यान यही रखना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है सॉइल के बारे में। तीसरी हमें ध्यान रखना है बातों का कि इसमें किसी तरीके से इंसेक्ट वगैरह का अटैक ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे इस प्लांट के अंदर नीचे की साइड से कुछ इंसेक्ट का अटैक हुआ है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे प्लांट में काफ़ी ज़्यादा एक लकीरें टाइप की बन गई है। टोमेटो के प्लांट में या मिर्च के प्लांट में अक्सर ये देखा जाता है कि पत्तियों में छोटे छोटे से कीड़े, बहुत महीन से कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं नॉर्मल, लेकिन वो क्या करते हैं धीरे धीरे हमारे प्लांट के अंदर ही अंदर, जो पत्तियों के अंदर ही अंदर, वो छेद बनाते चलते हैं और उनके रस को जो है वो सोक करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट में कभी कभी इतना ज़्यादा अटैक हो जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ख़त्म होने लगती है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है मरने के कगार पर भी आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इनके ध्यान रखना है कि इंसेक्टिसाइड का हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको, अगर घर में आप प्लांट उगा रहे हैं, घर में अगर आप अपने कोई भी वेजिटेबल्स को उगा रहे हैं तो गौर करिए कि आप उनमें बिल्कुल भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करें। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप अपने जो नीचे के पत्ते हैं, यानी कि जो आपके मिट्टी से छू रहे पत्ते या आपके जो भी ऐसे पत्ते हैं जो कि किसी चीज़ से टच कर रहे हैं या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर टच कर रहे हैं, तो उनको आप कट कर दें। जो भी इन्फेक्टेड पत्ते हों सिर्फ उनको कट करते चलें, जिससे कि जो नए पत्ते आएंगे उनमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम रहेगी। और बहुत ही अगर आपको ज़रूरत लगे कि आपको इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना ही करना है तो आप नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करें। नीम ऑयल से क्या होगा कि आपके पत्तों के ऊपर एक सुरक्षा लेयर टाइप की बन जाएगी, जो सुरक्षा लेयर जो है हमारे बाहरी इंसेक्ट से उनका बचाव करती है, प्लांट को जो है सुरक्षित रखती है। दूसरी चीज़ हमें बात करनी है इनके सॉइल के ऊपर कि इनका जो सॉइल है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी आप पॉटिंग कल्चर के अंदर यूज़ कर रहे हो उनमें हमेशा सॉइल को जो है वो वेल ड्रेन रखना है। तीसरी चीज़ हमें खाद पानी के बारे में, खाद जो है वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 18-18-18, ये एक्चुअली केमिकल खाद है, लेकिन अगर हम इसको बहुत ही मिनिमम मात्रा में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये हानिकारक नहीं है। जो अगर हम इसको, जैसे मान लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम खेत में अगर छिड़काव करते हैं तो हमें क्या करना है, अपने घर में 0.5 ग्राम के हिसाब से आपको यूज़ करना है। वैसे तो आपकी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट की अगर मात्रा अधिक है या आपने अगर उसमें अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग किया हुआ है, जैसे बोन मिल हो गई या आपने उसके अंदर जो है बनाना पील का यूज़ किया हुआ है, तो आपको उसके अंदर ये केमिकल खादों का यूज़ नहीं करना है। अगर आप खेत वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो 0.5 ग्राम एक बार ही आपको देना है, सिर्फ एक बार। एक बार देने से आपके प्लांट में इतना ज़्यादा केमिकल नहीं आ जाएगा, आपके फ्रूट में इतना ज़्यादा जहर नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये खाद का छिड़काव जो है वो आपको एक बार ही करना है जब आपके प्लांट में आपको कलियाँ दिखने लगें।
दूसरी चीज हम आपके बात कर रहे थे सॉइल के ऊपर में, तो सॉइल हमें क्या करनी है, सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेन होगी तो आपकी रूट्स जो हैं, वो जो आपकी हेयरी रूट्स हैं जो कि वाइट रूट्स होती हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, और उनके ग्रो करने से क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन अच्छे से लेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको आधा जो है वो सॉइल बनाते टाइम पे आधा रेत लेनी है, आधी आपको गार्डन सॉइल लेनी है, और उसमें उतनी ही जितनी आपने जो है गार्डन सॉइल और रेत ली हुई उतनी ही उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देनी है। और उसके बावजूद भी अगर आपकी जो वेल ड्रेन नहीं हो पा रही है, आपकी मिट्टी क्ले तरीके की है, तो आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा जिप्सम मिला देना है। अप्रॉक्सीमेट 50 से 100 ग्राम का जिप्सम जो है वो आपकी मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देगा। जिप्सम जो है वो नॉर्मली हमें खाद की दुकानों पर मिल जाता है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जिप्सम जो होता है वो बहुत ही सस्ता है, अप्रॉक्सीमेट आपको 50 रुपीज़ के जी के हिसाब से नॉन सब्सिडाइज वाला जो है वो आपको मिल जाएगा, आप उसको मिट्टी में मिला करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेनली जो है आपको यूज़ करना है वो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना है, और जो भी आपके देसी नुस्खे होते हैं, देसी नुस्खों को प्रयोग करने से पहले आप सोच लें कि अगर उनका प्रयोग अगर अच्छा हुआ या उनका प्रयोग सक्सेसफुल रहा तो आपके प्लांट तो बहुत ही अच्छे से चलेंगे, लेकिन अगर वो अनसक्सेसफुल रहे तो आपके प्लांट को बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक बार ही अगर उन्हें अटैक कर दिया या फंगस का अटैक आपके प्लांट पे हो गया तो आप फिर अपने प्लांट्स को नहीं बचा सकते हैं, फिर आपको बहुत ही, आप समझिए अप्रॉक्सीमेट आप 2 से 3 महीने पीछे ही चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको देसी नुस्खों से बचना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयोग करना है तो आप अपने पॉटिंग सॉइल के अंदर वर्मी कंपोस्ट जो कि अच्छी तरीके से डिकम्पोज हुई हो उनको यूज़ करना है।